मैंने एक दिन कल मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि नहीं कर पाया। और पापा की भी थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। पापा को कल से थोड़ा सा वॉमिट परसों से हो रहा था, आई थिंक वो इंडाइजेशन हुआ है या गर्मी की वजह चीज़ें। तो दिन में 3-4 बार काफ़ी उनको, जब भी वो खाना खा रहे थे उसके बाद उनको वॉमिट हुआ। बट अभी अलहमदिल्ला वो ठीक है। एडमिट किया है जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली क्या है कि हमारे फैमिली डॉक्टर जो है, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वो डॉक्टर तुषार हैं जो बहुत वक्त से पापा को देखते हुए हैं, पापा क्या हम सबको देखते हुए हैं। तो जब ये चीज़ हुई थी हमने सबसे पहले उन्हें कंसल्ट किया था, तो उन्होंने रेफर किया था कि आप डॉक्टर वत्सल कोठारी के पास जाइए कोकिला बहन में। तो हमने पापा को वहाँ पर एडमिट किया था। अब डॉक्टर वत्सल की तरफ से पापा क्या जो हुआ था उस चीज़ से बिल्कुल, जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा कि रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ानों में हो गई है पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब। उन्हें हर बार जितनी बार वो खाना खा रहे थे इतनी बार उन्हें वॉमिटिंग हो रही थी। शुएब ने बताया कि पापा को ऑयली खाने की वजह से ऐसा हुआ है। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया और उन्हें एडमिट कराया गया था। इसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा को पिछले साल ब्रेन स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत आए दिन ख़राब रहती है। शोएब उन्हें अपने फ्लैट में ऊपर रखते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करते हैं। पापा के लिए शोएब जब से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है कोई भी ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते। ज़रा सी भी तबीयत ख़राब होती है फौरन उन्हें डॉक्टर के यहाँ पर ले जाया जाता है। पापा की आए दिन हालत थोड़ी नाजुक ही रहती है। एक टेक केयर उनका हमेशा उनके साथ रहता है जो उनकी केयर करता है, और शोएब भी बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हैं। वो पापा को अकेले कहीं पर भी नहीं जाने देते हैं, हमेशा उनके साथ ही रहते हैं और सभी उनके साथ रहते हैं। हर खुशी हर चीज़ में पापा को अपने साथ रखा जाता है। शोएब अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हमेशा पापा के साथ ही रहते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।